नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आपका एएसआर जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। सो दोस्तों, आज एएसआर जम्मू ब्लॉग्स की टीम जो है वो आई है आरएस कार बाजार में, और आरएस कार बाजार में आपको डिस्प्ले में जो गाड़ियां देखने को मिलेगी वो मैं आपको चार गाड़ियां बता देता हूँ। ये डिस्प्ले में है, बाकी जो गाड़ियां इनके स्टॉक यार्ड में है आप डायरेक्टली आरएस कार बाजार के ऑनर को भी कॉल कर सकते हो, जिनका नंबर मैं नीचे स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, आप उनको कॉल करता है, डिस्क्रिप्शन पे भी वो नंबर मेंशन रहेगा। बाकी आज की वीडियो में आपको मैं खाली इन्हीं चार गाड़ियों की डिटेल्स दे पाऊंगा, बिकॉज अंधेरा भी हो रहा है। और आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज जो चैनल है ऐसा जो मुला उसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो शुरुआत करते हैं वो करेंगे हम मारुति सुजुकी वैगनार से। ये ओल्ड जनरेशन वैगनार है, बट ये काफी अच्छे तरीके से बिकती है यूज कार बाजार में। मैं आपको बता दूं, ये वैगनार का एलेक्साई वेरिएंट है और 2014 का ये जो मॉडल है ये रहने वाला है। बाकी यहाँ से आप साइड से कंडीशन इस गाड़ी की देख सकते हो, नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी जो है अवेलेबल है। एंड मैं रियर से भी आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की कंडीशन, ये चीज आप देख सकते हो। बाकी बात करें इस गाड़ी की रनिंग की, तो लगभग 42,000 के करीब ये जो गाड़ी है ये चल चुकी है। बाकी यहाँ पे आपको जो इस गाड़ी का इंश्योरेंस होगा वो भी आपको फुल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर से विंडो का पैनल आप देख सकते हो और सीट्स की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हो, काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में सीट्स हैं यहाँ पे। एंड स्टेयरिंग एंड ये चीज देख सकते हो, ऑप्टो मार्केट जो है, टूरिंग का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, और फ्रंट की दो पावर विंडोज यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली एलेक्साई वेरियंट था ये, और ये भी चीज आप देख सकते हो। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के लास्ट प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग जो है आरएस कार बाजार की तरफ से इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 3,45,000 रुपए की इसकी जो है डिमांड है। बाकी आप ऑन टेबल बैठ के इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अब अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी की इग्निस, और ये भी गाड़ी काफी अच्छे तरीके से बिकती है यूज कार बाजार में। और ये कुछ रियर से मैं फ्रंट से आपको उसका कुछ व्यू जो है वो दिखा देता हूँ, और बता दूं ये इग्निस का जो है डेल्टा वेरिएंट जिसे बोलते हैं वो रहने वाला है, और पेट्रोल वेरिएंट है ये। बाकी रनिंग की बात कर ले तो लगभग 32,000 ये गाड़ी जो है अपनी रनिंग कंप्लीट कर चुकी है। और डिमांड पे इस पे बाद में जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का जो है इंटीरियर वो दिखा देता हूँ। कलर जो होगा वो ब्लू कलर जो है, रॉयल ब्लू कलर वो देखने को मिलेगा। विंडो पैनल बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में यहाँ विंडो का पैनल है, और आल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल्स, ORBM के कंट्रोल्स ये कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लगभग नीट एंड क्लीन कंडीशन में ही यहाँ पे गाड़ी है। बाकी यहाँ पे भी इस गाड़ी का भी इंश्योर जो होगा वो आपको फुल देखने को मिल जाएगा, और रियर में यहाँ पे आपको जो होगा स्पॉइलर एज एन एसेसरी यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी के डिमांड की, जो कि आरएस कार बाजार की तरफ से है, लगभग 5,65,000 रुपए की डिमांड जो है वो आरएस कार बाजार के एंड से है इस गाड़ी के अंदर। अब अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली है हुंडई की i20 का ये पेट्रोल वेरिएंट रहने वाला है, और स्पोर्ट्स पेट्रोल इंजन के साथ है, और स्पोर्ट्स वेरिएंट ये रहने वाला है। लगभग 62,000 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी जो है वो चल चुकी है, और अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो यहाँ पे, और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हो, लगभग 60% रिमेनिंग जो होंगे वो तो यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर रियर की, तो रियर से भी गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन कंडीशन में अवेलेबल है। अब चलते हैं विंडो पैनल की तरफ, ये कुछ विंडो पैनल आपको देखने को मिलेगा, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ब्राउन और बेज कलर का। बाकी सीट्स कवर की कंडीशन काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन है, एंड ये कुछ आप देख सकते हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। रियर की सीट्स की बात कर लें अगर, तो ये कुछ रियर का विंडो पैनल एंड रियर की सीट्स, और चारों पे आपको डीएसएल हेडरेस्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के प्राइस के ऊपर। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 3,25,000 का डिमांड है आरएस कार बाजार के एंड से। बाकी इसमें भी आपको नेगोशिएशन जो होगी वो देखने को मिल जाएगी, आप डायरेक्टली आरएस कार बाजार के ऑनर जिनका नंबर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, उस नंबर पर कॉल करो। अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी के ऊपर, जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी वैगनार। ये जो वैगनार का है, ये वैगनार का ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाला है, और 2017 का ये मॉडल है, और VXI वेरिएंट जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक में ये वो रहने वाला है। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, विंडो का पैनल आप देख सकते हो यहाँ से, एंड ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड यहाँ से कुछ आप इस गाड़ी का जो है
वो लुक देख सकते हो। सीट्स जो है काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में और काफी उमदा कंडीशन में जो सीट्स हैं ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो देख सकते हो और ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टेयरिंग। एंड बात करते हैं रियर सीट्स की, तो रियर से सीट जो होंगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी, रियर का विंडो पैनल। बाकी रियर साइड से गाड़ी देखने को मिले तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। रियर में स्पॉइलर जो होगा वो इंस्टॉल हुआ देखने को मिल जाएगा, VXI वेरिएंट और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये जो गाड़ी है अवेलेबल है। बाकी ये गाड़ी लगभग 29,000 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। एंड अगर डिमांड की बात करें तो लगभग 4,65,000 रुपये की इसकी डिमांड है RS कार बाजार के एंड से, आप इसमें भी नेगोशिएशन कर सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही है, मैं इतनी ही गाड़ियां आपको दिखा पाऊंगा बिकॉज अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और हालांकि भैया के पास और भी स्टॉक में गाड़ियां हैं लेकिन वो उन्होंने अपने स्टॉक यार्ड में पीछे लगा रखी हैं। आप भैया को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो किसी और भी गाड़ी के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू जगह पे, किसी न्यू इन्फॉर्मेशन पे और किसी न्यू गाड़ियों के साथ। टिल देन कीप स्पॉटिंग।